नमस्कार। आज ये दारू पीने वाले के लिए जब इंश्योरेंस बीमा आप हम भरते हैं उस समय क्या क्या देखना है, ये बीमा का ये शुल्क आपको कैसा मिल सकता है, इसके बारे में एक बहुत बड़ा जजमेंट है AAR 2021 उच्च न्याय अधि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1541 नर्मदा देवी वर्सेस HP स्टेट फॉरेस्ट। इस केस में क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 11 11 12 इंश्योरेंस एक्ट 45 और एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 410A ये सब इसमें डिस्कशन किया है। इस केस में आप देखिए, ओम प्रकाश नाम का चौकीदार ने जब हिमाचल प्रदेश पारस में काम करता था उस दिन 7/10/1997 में इतना बरसात था, तूफान भी था, तो ये क्या हुआ इनको मालूम नहीं हुआ। फिर बाद में दूसरे दिन एक गांव में ये सोए हुए पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर दारू का स्मेल आया, बदबू आया, तो उनको ले जाके उसको गर्म पानी में नहाया है, मसाज किया है, फिर भी वो 1 बजे गुजर गया। तो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है इसका कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी नहीं है उनको कोई, इसलिए वो जब ये दारू पी के जो भी खाया होगा तो वो खाना जो है ये गले में अटके वो गुजर गया होगा, ऐसा पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट है। तो उनका ये भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है ये उनका जो यूरिन में इतना अल्कोहल है जो गहरा नींद लेने का पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। तो इंश्योरेंस वो कंपनी वाले ने उनको ग्रुप इंश्योरेंस भरा हुआ था, तो ग्रुप इंश्योरेंस मांगे तो ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया नहीं नहीं हम ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये अल्कोहल से डेथ हुआ है, हम नहीं देंगे बोले। तो कंज्यूमर फोरम में केस डाला है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 2 लाख देने के लिए आदेश था। फिर वो स्टेट कमीशन जाते हैं, स्टेट कमीशन ने कहा नहीं ये आपको फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट को देना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। जब वो नेशनल कमीशन में रिविजन में उनका कहना है नहीं ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, तो इसलिए इन केस में यमुना देवी का एक केस था उस केस को रेफर किया था। यमुना देवी केस में क्या हो गया, वो ये बीमा फॉर्म जब भरा है उसमें सिर्फ डेथ लिखा है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं लिखा है, इसलिए यमुना देवी केस में नेशनल कमीशन आदेश दिया है तो नहीं आपको ये देना पड़ेगा, मगर ये दिए नहीं दिया। तो ये दुर्घटना जो हुआ है वो बराबर एक्सीडेंटल नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये नेचुरल डेथ है। और दूसरी बात है ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन में इनको जब कानून काम करते वक्त गुजर गया तो उनको अलग से केस डाला है, वो पैसा भी ले लिया है। तो दूसरा ये स्टैंड जो लिया है कि जब आप फॉर्म भरा है तो ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के लिए बीमा का शुल्क मिलेगा कहकर वो नहीं कहा है, इसलिए फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्सिबल कहकर वो नहीं माना गया, दैट वाज रिजेक्टेड। तो इसलिए आखिरी में क्या हो गया है, तो ये इंश्योरेंस बीमा किया है वो फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट स्टेट गवर्नमेंट, वो मध्यवर्ती का काम किया है, मीडिएटर का काम किया है, इसलिए तो उसके मुताबिक उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहकर ये आदेश दे दिया है तो उनको पैसा नहीं मिला है। तो एक बात ऐसा है जब दारू पीने वाले हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखिए, जब आप दारू पी के कुछ करते हैं
तो आपको भी नहीं है, आपका पूरा परिवार का नुकसान करते। तो वकील लोगों का क्या करना है, वकील लोगों का क्या करना है, कम से कम वो बीमा का फॉर्म जो भरा है उसका कंडीशंस को इंटरनेट में जाके डाउनलोड करके उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं तो राइट इंफॉर्मेशन एक्ट में आप मांग के उनसे इंश्योरेंस कंपनी में आप ये कंडीशंस दे दीजिए, ऐसा करके फिर उसको कंडीशंस पढ़ने के बाद आपको करने कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये इंश्योरेंस क्लेम जो है लोक अदालत है, लीगल अथॉरिटी एक्ट लोक अदालत का शेड्यूल ऑफ सब्जेक्ट में ये इंश्योरेंस आता है। इसका मतलब यह है इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस क्लेम जो है तो प्री लिटिगेशन अदालत के जाने के पहले ही लोक अदालत में जाके केस डाल सकते हैं। केस डालने के बाद आपको ये फैसला आपका बिना कोर्ट फीस, आपको कोई पेंडेंसी लॉन्ग पेंडेंसी के सिवा आपको कुछ भी पैसा मिलने की बहुत आपको फास्ट एंड इजी सेटलमेंट हो सकता है। तो ये वकीलों का कर्तव्य है। तो इसलिए तो आपको इस जजमेंट के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, तो एक तो पक्का हुआ है इंश्योरेंस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। ये इंश्योरेंस क्लेम जब होता है तो उन लोगों का क्या क्या डिफेंस है, ये डिफेंस है। तो ये वारंटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वारंटी जब शब्द आता है, वारंटी का मतलब है गारंटी एंड वारंटी का मतलब है जो चीज आप खरीदते हैं उसमें कोई बराबर काम नहीं किया था उसको बदल देंगे, और वारंटी का मतलब पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए देते हैं। इंश्योरेंस में वारंटी और गारंटी का मतलब यह है, ये जो बीमा भरते हैं जो इंश्योरेंस करते हैं उनके लिए ये वारंटी लागू होता है। जो आप जो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स मांगे थे आपके बारे में, आपका बीमारी के बारे में, आपका उम्र के बारे में, आपका प्रीवियस हिस्ट्री आप डिसीज के बारे में, तो आप गलत से वो पर्टिकुलर दिया होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सब कुछ इंश्योरेंस एक्ट में लागू होता है। तो ये आप फिर से इंश्योरेंस एक्ट के सब्जेक्ट में ये वारंटी और गारंटी क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वारंटी और गारंटी क्या होता है, ये भी आपको आजकल वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न्यू अमेंडमेंट आ गया है, बहुत कुछ उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स जो है उसमें मजबूत किया गया है। तो ये आपको ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम नेशनल कमीशन उच्च न्यायालय अजी उच्च न्यायालय कई बार सर्कुलर दिया है, कई और चीज़ों के लिए भी ये ग्रुप इंश्योरेंस लागू करना है। जैसा ट्री फॉलिंग, जब सड़क में जाते हैं पेड़ गिर जाता है, और बाढ़ आता है, तूफान आता है, फिर आग हो जाता है, ये पहाड़ में लैंडस्लाइडिंग होता है और बर्फ गिर जाता है, ये सब दुर्घटनाएं आजकल बहुत हो रहा है, कल भी हुआ है उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर 200 से ज़्यादा लोग गायब हो गए। गायब हो गया मतलब ना उनको डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, ना उनको लाश मिलेगा, पता नहीं उनके रिश्तेदार का मन कैसे होगा, उनका फ्यूचर भविष्य क्या होगा, ये सब जो है ये भगवान का नाटक में एक अंग है। तो यह हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वही होता है जो मंजूर है खुदा हो, वो ऊपर से कुछ भी करते रहता है तो हम लोग को बहना पड़ता है, ताकि हम ध्यान से
उनका पालन करें, उनका आदेश को पालन करें। जय हिंद।